नॉलेज दुनिया के इस नई वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। एक देश कितना शक्तिशाली है ये पता लगता है उसकी सेना और हथियारों से। हथियारों के दम पर कोई भी जंग जीती जा सकती है, इसीलिए सभी देश अपनी सेना के लिए एडवांस्ड हथियार इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन से हैं दुनिया के सबसे ताकतवर, शानदार और घातक वेपन सिस्टम्स। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM एक गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल का काम है न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करना। सबसे आधुनिक डिजाइन वाला ICBM MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, जिसके कारण ये मिसाइल एक से अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड को वाहन करने की क्षमता से लैस है। R-36M SS-18 Saturn दुनिया का सबसे हेवी और लॉन्ग रेंज ICBM बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 16,000 किलोमीटर रेंज तक टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करने में सक्षम है। ये दुनिया के कुछ ही देशों के पास है, जैसे इंडिया, चाइना, US और फ्रांस। B-2 Spirit जो कि स्टेल्थ बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही घातक सीक्रेट वेपन है जो दुनिया भर में मशहूर तो है लेकिन है केवल अमेरिकन एयरफोर्स के पास। स्टेल्थ बॉम्बर हर तरह के वेपन वाहन करने में सक्षम है, यहाँ तक कि एडवांस थर्मो न्यूक्लियर वेपन को भी। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का डिजाइन दूसरों से काफी अलग है और ये एक बार में 230 किलोग्राम के MK-82 JDAM GPS गाइडेड बॉम्ब्स या फिर 1100 किलोग्राम के B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेकर सिंगल टैंक पर 6000 मील तक की यात्रा कर सकता है। लेजर वेपन सिस्टम। दी ANSEQ-3 लेजर हथियार यानी XN-1 यूनाइटेड स्टेट्स नेवी द्वारा विकसित किया गया लेजर वेपन सिस्टम है। ये लेजर वेपन पहली बार सन 2014 में USS पॉन्स, जो कि एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, पर टेस्टिंग के लिए इंस्टॉल किया गया था। ये हथियार लेजर से हीट एनर्जी को उत्पन्न करके टारगेट पर स्ट्राइक करता है। US नेवी इसके एडवांस वर्जन को विकसित कर रही है, जिसमें एक हाई एनर्जी लेजर को हीलियोस सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे इसकी किसी भी बोट या अनमैन ड्रोन को जलाने या फिर मार गिराने की क्षमता बढ़ जाती है। हीलियोस एक 60 किलोवाट का बहुत ही शक्तिशाली लेजर सिस्टम है। अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी UCAV बहुत ही घातक और शक्तिशाली कॉम्बैट ड्रोन है। ये ड्रोन मिसाइल कैरी करने में सक्षम है और ड्रोन स्ट्राइक्स करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये एक पायलट रहित एयरक्राफ्ट है जिसे रिमोट बेस स्टेशन से ऑपरेटर द्वारा संचालित किया जाता है। फाइटर प्लेन के मुकाबले ये काफी छोटा और हल्का है और किसी भी ऑपरेशन में आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। US, चाइना, इसराइल UCAV टेक्नोलॉजी का बहुत से मिशंस में इस्तेमाल कर चुके हैं। एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज पावर। 2007 में US के बाद रशिया ने एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब बनाया, जिसे FOAB यानी फादर ऑफ ऑल द बॉम्ब कहा जाता है। इसका उपयोग 11 सितंबर 2007 में किया गया था। FOAB का ऑर्डिनेंस US वेपन से 4 गुना ताकतवर है। रशिया ने FOAB का अनाउंसमेंट तब किया जब वेस्ट और मॉस्को के बीच टेंशन चरम सीमा पर पहुंच रही थी। इसे एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सप्लोजिव के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन की मदद से अपने टारगेट को जला देने की क्षमता रखता है, जबकि अन्य वेपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से एक्सप्लोजन करते हैं। FOAB अन्य हथियारों से ज्यादा एनर्जी पैदा करता है, लेकिन इसे काबू में लाना बहुत ही मुश्किल है। FOAB के विस्फोट से दूर दूर तक हर जिंदा चीज का नामो निशान नहीं रहता। 2007 में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रशियन मीडिया को कहा है कि FOAB अल्ट्रासोनिक शॉक वेव और ज्यादा टेम्परेचर जनरेट कर रहा है। रेलगन।
रेल गन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें प्रोजेक्टाइल को फायर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा हथियार है जिसे गन पाउडर की जरूरत नहीं होती, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन बिजली की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है और उससे एक एनर्जी पैदा होती है। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी हथियार को तेज रफ्तार से फायर करने में मदद करती है। रेल गन 6 मिनट में 2500 माइल्स की दूरी तक किसी भी टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती है। ये दिखती कैसी है? रेल गन एक बड़ी इलेक्ट्रिक सर्किट के आधार पर बनती है। इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है उसका पावर सप्लाई, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है। दूसरा पार्ट है पेयर ऑफ पैरेलल रेल्स। ये 9 मीटर लंबी कंडक्टिव मेटल ट्यूब को कहते हैं। इस रेल गन में 2 रेल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव रेल है और दोनों इलेक्ट्रिक वायर की तरह काम करते हैं। और हमारा तीसरा पार्ट है आर्मेचर, जो एक कंडक्टिव सॉलिड मेटल पीस है और ये दोनों पैरेलल रेल्स के बीच में ब्रिज का काम करता है। रेल गन काम कैसे करती है? रेल गन में जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है तो करंट की वजह से पैरेलल पोजीशन रेल्स की हर दिशा में मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाती है और पैरेलल रेल्स के बीच एक फोर्स जनरेट होती है जिसे लॉरेंस फोर्स कहते हैं, जो वर्टिकल पोजीशन में आगे की ओर फायर करने में मदद करती है। भारत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन अभी भी रिसर्च स्टेज पर है, जिस पर DRDO काम कर रही है और ये माना जाता है कि फ्यूचर में रेल गन की शेल लॉन्च करने की क्षमता 4500 माइल्स प्रति घंटा बढ़ जाएगी, जो कि साउंड की स्पीड से 6 गुना ज्यादा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करें। साथ ही कमेंट सेक्शंस में अपने सजेशंस और अपने मनपसंद का कोई भी टॉपिक लिखकर हमें जरूर बताएं। और अगर आप नॉलेज दुनिया की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।